रायबरेली में त्योहारों के रंग में भंग न पड़े इसे लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में देर रात तक जिले भर के पटाखों के लाइसेंसी दुकानदारों के यहाँ छापामारी की कार्यवाही चली। शहरी क्षेत्र के नगर मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद ने लाइसेंसी पटाखा व्यवसायियों के यहाँ सुरक्षा मानकों को परखा। इस दौरान कई दुकानों पर कई अग्निशमन यंत्र मानक से कम पाए गए तो कहीं पार्किंग की समस्या नजर आई। नगर मजिस्ट्रेट ने सभी दुकानदारों को 24 घंटे के भीतर कमियां दूर न होने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी भी दे दी। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन मुस्त नजर आ रहा है और लगातार चाक चौबंदी के साथ काम भी कर रहा है। S7 न्यूज के लिए मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव के साथ। आज जो है भदोखर थाना के अंतर्गत जो पटाखे के लाइसेंस धारी दुकानें हैं उन पर हम मेरे द्वारा और COCT के द्वारा जो है जांच किया गया और जो मौके पर देखा गया कि जो है वहाँ सुरक्षा के उपाय हैं कि नहीं है, जैसे हम वहाँ पर पानी देखें कि नहीं, पानी व्यवस्था है कि नहीं, बालू व्यवस्था है कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं, और जो निर्धारित मात्रा उससे ज़्यादा उनके द्वारा माल बिक्री तो नहीं किया जा रहा है, और उनके घरों पर भी जाकर देखा गया कहीं उस माल को घरों में तो नहीं रखा गया है, तो ये सब जांचें किया गया और उनको आवश्यक निर्देश दिए गए।